हेलो दोस्तों, स्टडी विद महेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बी टी सी डीएलएड चौथे सेमेस्टर से। ये है आपकी पाठ्य योजना संख्या 9, नाइन्थ नंबर लेसन प्लान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो लेसन प्लान है वो विज्ञान विषय से रिलेट करता है। क्लास 6 के लिए ये आपकी पाठ्य योजना होगी। दोस्तों, इसके पहले आपके 1 to 8 लेसन प्लान्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, बाकायदा प्लेलिस्ट में जा करके केवल अभी वही 8 वीडियोस आपको इस नए यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सपोर्ट करते रहिए और भी अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके, उनका भी भला हो सके। ऐसे में चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर, और यहाँ पर देखते हैं आपको डेट दिख रही होगी 20/7/2019। जो क्लास है कक्षा 6 के लिए है, चक्र दूसरा चल रहा है, अवधि 30 मिनट्स की है, और यहाँ पर जो विषय है वो है विज्ञान। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रकरण के बारे में कि टॉपिक क्या है, तो जीवों में अनुकूलन, ये है हमारा आज का प्रकरण जिसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, चलिए इतनी सी बातें हो गई। और यहाँ पर अभी बहुत अच्छा सा एक मिनिएचर, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, एक चित्र यहाँ पर आप चस्पा देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से आप भी जो है चित्र को बना करके यहाँ पर चिपका सकते हो। यहाँ पर बीजी परवृंत करके आपका लिखा हुआ चित्र जो है सिंघाड़े का है, और यहाँ पर पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि कमज़ोर तना हाइड्रिला का पौधा है आपका। जल में अनुकूलित पौधों का जो चित्र है उनको यहाँ पर लेकर के बात की गई है। तो दोस्तों, एक एक चीज़ों को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। इस चित्र को आप खुद भी बना करके चिपका सकते हो। आपको इंटरनेट पर चीज़ें मिलती हैं तो आप एक तरीके से प्रिंट निकाल करके फिर आप लगा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि वो आप कैसे जो है यहाँ पर मैनेज करते हो। ओके, चलिए इतनी बातें हो गई। उसके बाद हम जो है, अगर मैं बात करूं इसमें, ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इसमें ढक गए थे, मतलब इस मिनिएचर के नीचे, वो आपके यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखा हुआ है, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, एन इंटरेस्ट जगाना उनमें कि एग्जैक्टली साइंस सब्जेक्ट है क्या, और उसके टॉपिक को लेकर के। चूँकि अभी सामान्य उद्देश्य जो है वो विषय से रिलेट करता है, तो फिलहाल हम टॉपिक से रिलेट जो है आपका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, उनमें रीजनिंग या लॉजिकल जो कैपेसिटी होती है, पावर होती है, उसको लेकर के बात करना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है दैनिक जीवन में विज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना। व्यावहारिक ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, बिहेवियरल नॉलेज, समझ रहे हो आप, जिसको प्रयोगात्मक ज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, हम आते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव पे। और स्पेशल ऑब्जेक्टिव आपका डिपेंडेंट होता है आपके टॉपिक पर। छात्रों को जीवों में अनुकूलन नामक पाठ का अध्ययन कराते हुए उसके महत्व का ज्ञान प्रदान करना, ये है हमारा स्पेशल ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद हम TLM देखेंगे कि हम कौन कौन से TLM का यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग अगर आप मटेरियल की बात करते हो, तो पाठ से संबंधित चार्ट को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। पाठ से संबंधित जो भी चार्ट होंगे उनके बारे में हम लेकर के यहाँ पर देखेंगे। प्रीवियस नॉलेज में पूर्व ज्ञान में है, छात्र जलीय जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उन्हें जनरल से इन्फॉर्मेशन है कि जो जलीय जीव हैं वो हैं क्या, होते क्या हैं, और वो एक जो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए छात्राध्यापक कथन, और जो दूसरा कॉलम है वो छात्र कथन का है। अगर मैं छात्राध्यापक कथन की बात करूँ, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है छात्रों मछली को पानी से निकालने पर वह मर क्यों जाती है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे सवाल यहाँ से जो है पैदा किए जा रहे हैं, एक तरीके से जनरेट हो रहे हैं आपके। बच्चों ने कहा क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती है, इसीलिए जो है मछली मर जाती है। नेक्स्ट है, वह सांस क्यों नहीं ले पाती है, अब वो कहते हैं क्योंकि पानी, लिखा है क्योंकि वह पानी में ही अनुकूलन कर सकती है। अब यहाँ पर बच्चे अनुकूलन के बजाय ध्यान रखिएगा, वो ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी इतना नहीं पढ़ा हुआ है। वो ये कहेंगे कि हाँ, क्योंकि मछली जो है वो पानी में ही रहती है, हमने पढ़ा था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, तो इसीलिए वो जो है पानी में ही रह सकती है। फिर है छात्रों जीवों में अनुकूलन के बारे में आप क्या जानते हो। किसी बच्चे ने अगर बोल भी दिया कि अनुकूलन है, तो ये सवाल होगा कि अनुकूलन के बारे में आप क्या जानते हो, और ये हो जाएगा समस्यात्मक सवाल उन बच्चों के लिए। छात्र निरुत्तर हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये लिखा हुआ है उद्देश्य कथन, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, यहाँ पर लिखा है छात्रों आज हम जीवों में अनुकूलन नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर जो है जीवों में अनुकूलन होता कैसे है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। प्रस्तुतिकरण सवाल पर आते हैं। लिखा है इसमें, एक है आपका छात्राध्यापक कथन, सेकंड कॉलम में आपका छात्र कथन लिखा हुआ है।
छात्राध्यापक यहाँ पर इन्होंने शुरू किया कि मछली को जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी दशाएँ जल में प्राप्त हो जाती हैं, परंतु जल के बाहर नहीं और वह मर जाती है अगर आप जल से बाहर निकालते हो। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक दशाएँ होती हैं, जैसे मानव है उसको जीवन जीने के लिए मान लीजिए टेम्परेचर जो है 45-50 डिग्री है तो वो वहन कर उसको जो है वो सहन कर सकता है और वो जीवित रह सकता है, और अगर कहीं जो है 55-60 हो गया फिर ऐसे में उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, पानी ना मिला उसे इस सतह पर पृथ्वी पर फिर क्या होगा। तो जो अनुकूलित दशाएँ होती हैं यही सब है, पानी है, हवा है, ठीक है, टेम्परेचर तापमान हो गया, ये सब अकॉर्डिंगली जो है जल मछली को जल में ही मिलते हैं, ठीक है, वो वहीं पर सर्वाइव कर सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे जो है। ऐसे में इस प्रकार जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास ही जीवों में अनुकूलन कहलाता है। क्या है जीवधारियों में शरीर को ढालने की जो क्षमता होती है एक किसी नए वातावरण में या वही वातावरण में जो ढालने की जो क्षमता होती है वो अनुकूलन कहलाती है। प्रत्येक जीवधारी एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं, हर एक आपको अगर लेकर के बात की जाए ह्यूमन को तो वो अलग है आपका, मछली है वो अलग से एनवायरनमेंट में आपकी रह रही होती है। कुछ यहाँ पर पर्यावरण के वो लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से, इसे जलीय अनुकूलन द्वारा है, स्थलीय अनुकूलन होता है, वायवीय अनुकूलन होता है, कुछ होते हैं जो वायु में ही जो है अनुकूलन कर सक करके रहते हैं और रह सकते हैं, कुछ जलीय होते हैं कुछ स्थलीय होते हैं प्राणी, ओके। और इन जो ये जितनी भी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं इनको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे कि एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है। ये विकासात्मक सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है छात्रों, अनुकूलन कितने प्रकार से होता है, कितने टाइप का अनुकूलन होता है, अडॉप्टेशन, तो उन्होंने बताया 3 प्रकार से होता है अनुकूलन। दूसरा सवाल इसमें आया, तितली है, कीटों, मधुमक्खी में अनुकूलन किस प्रकार से होता है, यहाँ पर तितली को लेकर के बात हो रही, कीट है, मधुमक्खी है, उसमें अनुकूलन की बात है, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि कीट है, मधुमक्खी है, तितली, इनमें एडॉप्टेशन किस प्रकार का होगा। अब इस चीज़ को फिर से आप प्रशिक्षु हो, आप ट्रेनी हो, आप छात्राध्यापक हो या छात्राध्यापिका हो, आप जो है फिर से एक्सप्लेन करोगे इसे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दोगे इस पर। लिखा है कीटों का शरीर अन्य अकशेरुकी जंतुओं की तुलना में हल्का होता है, इनमें 2 जोड़ी पंख होते हैं, ये श्वास हेतु रंध्रों द्वारा हवा भरते हैं व निकालते हैं। देखिए कशेरुकी प्राणी होते हैं और अकशेरुकी, कशेरुक दंड जिनमें जो देखने को मिलता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड करके आप बोलते हो, कशेरुक दंड मानव में होता है, कशेरुकी प्राणी ऐसे उसमें, कुछ होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, आप लोग विज्ञान में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, विज्ञान में था आपके सेकेंड सेमेस्टर में था आई थिंक, हाँ सेकेंड में ही था ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कीटों लिखा है इसीलिए आकाशेरुक जंतुओं की तुलना में हल्का होता है और इनमें 2 जोड़ी पंख होते हैं, श्वास हेतु रंध्रों द्वारा हवा भरते हैं और निकालते हैं। इस तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन आप जो है उन्हें दोगे। बात आती है बोधात्मक सवाल की, बोध प्रश्न भी बोलते हो। पहला सवाल है अनुकूलन के प्रकार बताइए, आपने कहा जलीय अनुकूलन होता है, वायवीय होता है और स्थलीय अनुकूलन होता है, ये चीज़ आपने बच्चों को एक्सप्लेन की। फिर बात आती है दूसरा सवाल, जलीय अनुकूलन का उदाहरण दीजिए, मतलब जल में जो अनुकूलित रह करके या रहते हों या ऐसे कौन से जीव है जो जल में अनुकूलन कर सकते हैं, मेढक है, मछली, हाइड्रोला, पौधा हो गया, बाकी आपके जंतु हैं, मतलब पौधे और जंतु, फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात हो रही है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, फ्लोरा FLORA मतलब आपके पौधे और फौना जो होते हैं वो आपके जीव जंतु होते हैं, ठीक है। श्याम पट्ट कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, डेट आपका 20/7/19, विषय हो गया, प्रकरण हो गया, कक्षा, चक्र और अवधि यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, चलिए। और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, श्याम पट्ट एक आपने, मैंने बोला कि ब्लैक चार्ट पेपर है उसी को आप काट के यहाँ पर लगा लेंगे, उससे आपका जो है बन जाएगा क्या, ब्लैक बोर्ड। निरीक्षण कार्य बिल्कुल वही, जब छात्र श्याम पट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्ष का निरीक्षण करते हुए उनकी सहायता भी करेंगे। पुनरावृत्ति सवाल में है, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका निभाइए, बताइए एक तरीके से, जल स्थलचर दो पक्षियों के नाम बताना है यहाँ पे। ग्रह कार्य की बात आती है, होमो की जब हम बात करते हैं, लिखा है सही मिलान कीजिए, श्वसन तंत्र, जलक्लोम, वायुकोश, हाइड्रिला, ये आपका एक कॉलम में लिखा हुआ है, और राइट साइड में आपके क्या क्या लिखे हैं, मछली है, बिल्ली, जलीय पौधा है, पक्षी है, पक्षी। अब इससे आपको मिलाना है कि हाइड्रिला है वो एक जलीय पौधा होता है, जलक्लोम क्या है, अब श्वसन तंत्र किन में पाया जाता है, मछली में है, किस में है,
ठीक है, श्वसन तंत्र वाली बात, जलकुलम किस में पाया जाता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलान करनी है जो कि बच्चे मिलान करके लेकर के आएंगे। दोस्तों ये था आपका लेसन प्लान नंबर 9। 10वां लेसन प्लान जो है वो आपका बिल्कुल तैयार है, जल्दी ही रिकॉर्ड करके उसको मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी जानने में है सहपाठी, जो भी साथ में आपके एक तरीके से चल रहे हैं, उनका भी जो है उनकी भी सहायता होती रहे। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यहाँ बीच में से। और इन वीडियो को जो तीनों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको भी देखना आप बिल्कुल से मत भूलिएगा। हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।